हेलो स्टूडेंट्स, ये ट्रैवलिंग वेव्स की दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने उसकी इक्वेशन कर ली थी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स, इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन करेंट, वोल्टेज और अ कॉन्स्टेंट पैरामीटर एट एनी पॉइंट इन ट्रांसमिशन लाइन, वोल्टेज सर्जेज आर सेटअप। इसका मतलब ये कहा गया है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी पॉइंट पर कोई करंट चेंज हो, वोल्टेज चेंज हो या फिर कोई पैरामीटर यानी कि आरएलसी में कुछ चेंज हो तो वोल्टेज सर्जेस सेटअप हो जाते हैं। दीज वोल्टेज सर्जेस ट्रेवल्स अलोंग द लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड, दे आर अकम्पेंड बाई करेंट वेव्स। करेंट वेव्स भी उसके साथ होती हैं। तो द करेंट एंड वोल्टेज वेव ट्रेवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हैव गॉट द सेम साइन, इफ़ दे ट्रेवल इन बैकवर्ड डायरेक्शन दे आर अपोजिट इन साइन। तो करंट और वोल्टेज वेव जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उनके एक साइन से उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं उन्हें दूसरे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको देखते हैं, लेट ई एफ और आई एफ, यानी कि ई एफ मतलब फॉरवर्ड, एफ फॉर फॉरवर्ड और आर फॉर रिवर्स, स्मॉल हमने यूज़ किया है। तो ई एफ आई एफ क्या है? वोल्टेज और करेंट वेव हैं ट्रेवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और स्मॉल आर ई आर आई आर हैं वोल्टेज एंड करेंट वेव ट्रेवलिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक, द वेव्स ट्रेवलिंग फ्रॉम सोर्स टू लोड आर नोन एज इंसिडेंट वेव्स, यानी कि जो सोर्स से लोड की तरफ जाएंगी उनको इंसिडेंट वेव्स कहेंगे, वाइल फ्रॉम लोड टू सोर्स आर नोन एज रिफ्लेक्टेड वेव्स। तो सोर्स से लोड की तरफ वापस आने, लोड से सोर्स की तरफ वापस आने वाली को रिफ्लेक्टेड और सोर्स से लोड की तरफ जाने वाली को इंसिडेंट वेव्स। तो दीज वेव्स में सुपर इम्पोज ईच अदर एंड द रिजल्टेंट वेव एट एनी पॉइंट इज द सम ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो ई आर और आई आर, अगर कैपिटल आर, तो आप ये देख लीजिए, कैपिटल आर का मतलब है रिजल्टेंट वेव, या फिर आगे जाके हमें पता चलेगा कि ये ट्रांसमिटेड वेव है। तो कैपिटल आर का मतलब है रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगी? ई कैपिटल आर इज इक्वल टू ई एफ प्लस ई आर स्मॉल में, और आई कैपिटल आर इज इक्वल टू आई एफ प्लस आई आर स्मॉल में। तो ये हमें अभी आगे बहुत यूज होगा, ये दोनों अभी हम इसको याद रखेंगे। तो हमने ये जाना कि सोर्स से लोड की तरफ जब वेव ट्रेवल करेगी तो उसको हम इंसिडेंट वेव कहेंगे, और लोड से सोर्स की तरफ जब ट्रेवल करेगी तो उसको रिफ्लेक्टेड वेव कहेंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होता है। इफ़ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइन इज डिस्टर्ब्ड एट एनी पॉइंट, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं इसको। इफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइन इज डिस्टर्ब्ड एट एनी पॉइंट देयर विल बी पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन ऑफ द वेव। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ट्रांसमिशन लाइन चली जा रही है और उस ट्रांसमिशन लाइन के आगे अब हमने कोई और दूसरे इम्पीडेंस की लाइन जोड़ दी या फिर टर्मिनेट कर दिया उसको किसी पर, तो अब क्या हुआ, इसमें डिसकंटिन्यूटी आई और इस डिसकंटिन्यूटी पे कुछ वेव का रिफ्लेक्शन हो जाएगा और कुछ वेव का ट्रांसमिशन हो जाएगा। इसका मतलब कुछ वेव आगे निकल जाएगी और कुछ वेव वापस आएगी। तो यही होता है, इट मीन्स, ये देखिए आप यहाँ से, इट मीन्स द इंसिडेंट वेव गेव राइज टू टू वेव्स, वन ट्रांसमिटेड एंड फॉरवर्ड एंड वन रिफ्लेक्टेड वेव। यानी कि एक वेव आगे निकल जाती जिसको ट्रांसमिशन कहते हैं क्योंकि हम ट्रांसमिशन ही कर रहे हैं, और एक वेव वापस आती है जिसको रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि डिसकंटिन्यूटी आई है। ठीक, तो एक जनरल केस हम डिस्कस करते हैं, कंसिडर अ जनरल केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो लेट एनी लाइन इज टर्मिनेटेड इन एन इम्पिडेंस जेड टी, हमने मान लिया कि कोई जेड टी है और वो प्योर नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस नहीं है, ओनली रेजिस्टेंस। ठीक, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये मान लिया कि हमारी लाइन चली आ रही थी और ये लाइन किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे टर्मिनेट हो गई है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ई आर है, ये हमने मान लिया है। तो ओम्स लॉ के अनुसार द रिजल्टेंट वेव एट रिसीविंग एंड अपॉन रिजल्टेंट वेव एट रिजल्टेंट वोल्टेज एट रिसीविंग एंड अपॉन रिजल्टेंट करंट एट रिसीविंग एंड इज इक्वल टू इम्पिडेंस एट रिसीविंग एंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर ई आर इसका वोल्टेज है और आई आर करेंट है, ये कैपिटल आर में है, आप देख रहे होंगे इसको। ई आर अपॉन आई आर इज इक्वल टू जेड टी, और हमको पता है ई आर को हम क्या लिख सकते हैं, ई आर को हमने अभी देखा स्मॉल ई एफ प्लस ई स्मॉल आर, तो ये हमने लिख दिया। इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, और हम ये मान लें कि अगर हमारी लाइन का सर्ज इम्पिडेंस जेड नॉट है, लाइन का सर्ज इम्पिडेंस जेड नॉट है, सर्ज इम्पिडेंस के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, तो अगर सर्ज इम्पिडेंस जेड नॉट है तो ई एफ फॉरवर्ड
फॉरवर्ड क्या होगा, फॉरवर्ड में ई एफ और आई एफ किससे कनेक्टेड होंगे, इसी से तो होंगे, वी इक्वल टू आई आर। तो ई एफ इज इक्वल टू आई एफ जेड नॉट, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए वापस आएगा आई आर, तो ये क्या हो जाएगा, ई आर इज इक्वल टू माइनस आई आर जेड नॉट। ठीक, तो ये हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमने पुट कर दिया ई एफ को आई एफ जेड नॉट और ई आर को माइनस आई आर जेड नॉट, ये, या फिर ई एफ प्लस ई आर, इसको हम ई एफ बाई जेड नॉट माइनस ई आर बाई जेड नॉट लिख सकते हैं आई आर को। तो यहाँ से ये सॉल्व हो रहा है, आप देख रहे होंगे इसको, तो हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, ये जेड नॉट ऊपर आ गया, तो क्या हो गया, ई एफ प्लस ई आर इंटू जेड नॉट अपॉन ई एफ माइनस ई आर इक्वल टू जेड टी। तो यहाँ से ई एफ प्लस ई आर अपॉन ई एफ माइनस ई आर इक्वल टू जेड टी अपॉन जेड नॉट, तो ई आर निकल आएगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव का फॉर्मूला निकल आया। रिफ्लेक्टेड वेव का फॉर्मूला क्या हो गया, फॉरवर्ड वेव इंटू जेड टी माइनस जेड नॉट अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट। तो अगर हमको ट्रांसमिशन निकालना हो कि कितना ट्रांसमिशन या क्या रिजल्टेंट आया कैपिटल ई आर, उसको जोड़ देंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा ई आर में आ जाएगा। देखिए, तो ई आर क्या आ जाएगा, टू ई एफ जेड टी अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट, टू ई एफ जेड टी अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट। ई एफ फॉरवर्ड वोल्टेज वेव है, इसी तरीके से आई आर आ जाएगा टू ई एफ अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट, क्योंकि ई आर अपॉन जेड टी होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पूछ ले जाते हैं। तो लेट अस डिफाइन अ टर्म रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज विच इज़ द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज टू इंसिडेंट वोल्टेज। हमने एक टर्म डिफाइन किया है रो वी, और इसको क्या कहा है, ये रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है। रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन कोफिशियंट ऑफ वोल्टेज है, वी इसमें लगा हुआ है सफिक्स में, तो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट ऑफ वोल्टेज का मतलब ये है कि कितनी वेव गई और उससे कितना रिफ्लेक्शन हुआ। तो वही हमने किया ना, विच इज़ द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज टू इंसिडेंट वोल्टेज, कितनी गई और उससे कितना रिफ्लेक्शन हुआ, तो इसको हमने डिफाइन कर लिया है। तो रो भी देखिए, अब रो भी क्या है, कितनी रिफ्लेक्टेड हुई और कितनी इंसिडेंट हुई, ई आर अपॉन ई एफ। तो ये हम अभी फॉर्मूले में हम इसको देख ही चुके हैं, यहाँ पर ई आर और ई एफ का फॉर्मूला ये हमने निकाला था, जेड टी माइनस जेड नॉट अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट। तो ये बिल्कुल सिंपली इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो रो वी आ जाएगा जेड टी माइनस जेड नॉट अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट। इस फॉर्मूले को आपको ढंग से याद रखना है, ठीक है, तो इस पर आप दो तीन स्टार लगा लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट हम देखें, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइड बाई फॉरवर्ड करंट। ठीक, देखिए बिल्कुल वही है, रो आई इज इक्वल टू आई आर अपॉन आई एफ, यानी कि रिफ्लेक्टेड करंट अपॉन फॉरवर्ड करंट, तो ये माइनस ई आर अपॉन आई एफ आ जाएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशेंट ऑफ वोल्टेज है और जो रिफ्लेक्शन कोफिशेंट ऑफ करंट है, ये दोनों बराबर होते हैं पर माइनस में, क्योंकि रो वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो आई। ठीक है, ये दोनों हम याद रखेंगे, आगे जाकर केसेस के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, एक तो हमने रिफ्लेक्शन की बात कर ली, अब हम आगे देखते हैं ट्रांसमिशन में क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और, ये और है, ठीक है ना, इसको और लिख लीजिएगा, ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन का मतलब है आगे निकल जाना। तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो देयर इज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव एट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ट्रांसमिशन कोफिशेंट या रिफ्रैक्शन कोफिशेंट क्या होगा, कितनी वेव ट्रांसमिट हुई डिवाइड बाई कितनी इंसिडेंट हुई। तो जैसे वहाँ पर रिफ्लेक्शन में था, यहाँ पर ट्रांसमिशन में हो जाएगा, तो इसको हम टाउ से डिनोट कर लेते हैं। तो देख लीजिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, टाउ वी का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ वोल्टेज वेव, तो कितनी वोल्टेज ट्रांसमिट हुई और कितनी इंसिडेंट हुई। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये टू जेड टी अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट आ जाता है। इसी तरीके से टाउ आई का मतलब है कितनी करंट ट्रांसमिट हुई अपॉन कितनी करंट इंसिडेंट हुई, तो टू जेड नॉट अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट। तो ये जो रो वी, रो आई, टाउ बी और टाउ आई, इन पर क्या है, इन पर कई केसेस आते हैं। तो हमको एक फार्मूला एक बार हम फिर से देख लेते हैं, आप देख लीजिए, रो वी का फार्मूला है जेड टी माइनस जेड नॉट अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट। रो वी निकल आएगा तो रो आई निकल आएगा, रो आई क्या है, माइनस रो वी। ठीक, इसके बाद टाउ, टाउ बी क्या है, टू
जेड टी अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट, और टाउ आई क्या है, टू जेड नॉट अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके देखते हैं केसेस में, तो देखिए डिफरेंट केसेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मान लेते हैं जेड टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, जेड टी इनफाइनाइट का मतलब क्या, ये है जेड टी, और जेड टी अगर इनफाइनाइट है, जेड टी इनफाइनाइट का मतलब है यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि ये ओपन सर्किट है, तो ये मतलब सिंपल ऐसा है, यहाँ पर ओपन सर्किट है, तभी तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा जब करंट पास ही ना कर पाए। तो जेड टी को इनफाइनाइट अगर हम पुट करें तो रो भी, अब देखिए रो भी ये है जेड टी माइनस जेड नॉट अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट, और ऐसे में हमें पता है जेड टी को हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि जेड टी को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो पहले हम ऊपर नीचे जेड टी से भाग देते हैं, जब हमने जेड टी से ऊपर नीचे भाग दिया तो ये आया और जेड टी को इनफाइनाइट रखने पर वन आ गया, और अगर रो वी वन आ गया है तो रो आई माइनस वन आएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। इस तरीके से टाउ भी क्या था, टाउ भी था टू जेड टी अपॉन जेड टी प्लस जेड नॉट, तो इसमें भी हम जेड टी को पुट नहीं कर सकते, तो हमने जेड टी से भाग दिया तो ये आ गया टू, और टाउ आई क्या है, टू जेड नॉट, और जेड नॉट अपॉन टाउ आई, आपको पता है ना टाउ आई क्या होता है, टू जेड नॉट अपॉन जेड नॉट प्लस जेड टी, और यहाँ पर जेड टी इनफाइनाइट होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से जेड टी इक्वल टू इनफाइनाइट केस में रो वी आया वन, रो आई आया माइनस वन, टाउ वी आया टू, और टाउ आई आया ज़ीरो। ठीक, इसी तरीके से अगला केस देख लेते हैं, तो आप ज़रा ऐसे थोड़ी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव, रो वी वन है ना, ठीक है, एंड बोथ हैव सेम साइन, दस रिजल्टेंट वेव एट रिसीविंग एंड ई आर, तो क्या हो जाएगा, ई आर हो जाएगा ई आर प्लस ई एफ, ये प्लस का साइन है यहाँ पर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ट्रांसमिशन क्या होगा, टू ई एफ से होगा, क्योंकि ई आर भी, ई आर और ई एफ दोनों बराबर हैं छोटे वाले, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो टू ई एफ हो जाएगा। इसी तरीके से द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट इज अपोजिट टू इंसिडेंट करंट, क्योंकि हमारा रो आई क्या है, माइनस वन है, तो आई आर ट्रांसमिटेड करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरा केस क्या है, लाइन शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, यानी कि जेड टी ज़ीरो है, जेड टी ज़ीरो पुट करेंगे तो हम सीधा सीधा ज़ीरो पुट हो जाएगा, रो भी क्या है ज़ीरो, जेड टी को ज़ीरो पुट करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, रो आई वन आ जाएगा, टाउ भी ज़ीरो आ जाएगा, टाउ आई टू आ जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है हमको कि अब देखिए यहाँ पर रो भी माइनस वन है, यानी कि ई एफ इक्वल टू माइनस ई आर है, यानी कि ट्रांसमिटेड वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, ट्रांसमिटेड करंट टू टाइम्स इंसिडेंट करंट हो जाएगी, वेरी सिंपल। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर लाइन जेड नॉट में ही टर्मिनेट हो जाए, ठीक है ना, जेड नॉट मेरी लाइन का ही था और जेड नॉट में ही टर्मिनेट हो जाए तो क्या होगा, तो अभी हमने आपको बताया था, हालांकि मैथमेटिकली भी हम देखेंगे, लेकिन डिसकंटिन्यूटी हुई कहाँ, जब डिसकंटिन्यूटी नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। देख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे ही हम देखेंगे तो रो भी ज़ीरो है, रो आई ज़ीरो है, टाओ भी वन है, टाओ आई वन है, क्योंकि ट्रांसमिशन ही होगा, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है, रिफ्लेक्शन क्यों होगा जब डिसकंटिन्यूटी ही नहीं आई, जेड नॉट में ही जा रहा है तो रिफ्लेक्शन की बात ही नहीं आती, सिर्फ ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सवालों में कई बार बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रा ढंग से एक दो बार देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।